हे गाइस, आप सबका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। दिस इज शाइनी और आज की वीडियो में मैं आप सभी के रिक्वेस्ट पे एक हाफ एंड हाफ स्वीट कलर की जामदानी साड़ी की ड्रेपिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इसकी रिक्वेस्ट आप सभी मुझे बहुत टाइम पहले से कर रहे थे कि दी परफेक्ट पीस के साथ जामदानी साड़ी की ड्रेपिंग वीडियो बनाओ। सो हियर आई एम। आपको आगे चल के भी कोई स्पेसिफिक साड़ी ड्रेपिंग वीडियो देखनी होगी तो मुझे कमेंट्स पर लिख के बताएं, क्योंकि आज की वीडियो टॉपिक भी मैंने ऐसे ही एक कमेंट से ली है। शादी या आने वाले फेस्टिव सीजन यानी दुर्गा पूजा के टाइम ऐसे लाइट वेटेड साड़ी कैरी करना बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। आपको बाइंग डिटेल्स चाहिए है तो नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो, मैं कोड डाल दूंगी। आज की साड़ी को मैंने ऐसे एक वाइट एम्ब्रॉयडर्ड ग्लास स्लीव्स ब्लाउज के साथ पेयर अप करी है और समर के टाइम दिस काइंड ऑफ कॉटन फैब्रिक इज वे टू कम्फर्टेबल टू कैरी एज आई सेड अर्लियर। तो वीडियो को एंड तक देखें और ड्रेपिंग यूजफुल लगने से वीडियो को एक लाइक दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए अब बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द साड़ी फैब्रिक फर्स्ट। जामदानी साड़ी ट्रांसपेरेंट कॉटन फैब्रिक की होती है, बट आजकल मार्केट में ब्लेंडेड जामदानी साड़ी बहुत ही चीप प्राइस में मिलते हैं। बट ओरिजिनल जामदानी साड़ी जो बांग्लादेश से आती है या फिर वेस्ट बंगाल में बनती है, मोस्टली प्योर कॉटन की ही होती है। तो खरीदने से पहले चेक कर लेना। वेल, एज इट ट्रांसपेरेंट सो सेम कलर की पेटीकोट या फिर शेपर आपको यूज़ करना है। और मेरे जैसे नॉर्मल कॉटन की पेटीकोट पहन रहे हो तो नॉट के साथ साथ पेटीकोट के एक्स्ट्रा क्लोथ्स को आप अपने सामने नेवल के पास गैदर कर ले, ताकि वेस्ट लाइन के अराउंड सी थ्रू फैब्रिक के ऊपर से कपड़ों का ढेर ना दिखे और सामने सेंटर प्लीज बनते हैं, तो ये वाली गैदर फैब्रिक से ये अच्छे से कवर अप भी हो जाती है। सो ये थी पहली चीज़। आप जो दूसरी चीज़ आपको फॉलो करना है वो है आपको हाइट को ठीक रखते हुए बिल्कुल आपकी राइट हैंड साइड से साड़ी की ट्रकिंग स्टार्ट करनी है। जो भी हील्स या फ्लैट्स आप पहनने में कंफर्टेबल हो वो फुटवेयर यूज़ करके ही ड्रेपिंग स्टार्ट करो, ताकि बाद में जूते पहनने से ड्रेपिंग ऊंची या नीची ना हो। और कॉटन जामदानी साड़ी आपने पहले ड्रेप करा है तो यू नो साड़ी पीछे से थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाती है, तो हाइट का आपको खास ध्यान रखना है। टकिंग के टाइम फैब्रिक को थोड़ा खींच खींच के लेके ही टकिंग करें, नहीं तो फ्लफी लग सकती है। खारी कॉटन साड़ी के जैसे ऑलमोस्ट सेम मेथड आपको आजमाना है। और जब एक राउंड की टकिंग कंप्लीट हो जाए तब ऊपर की ये बॉर्डर को पकड़ते हुए पल्लू एंड तक आपको पहुंचना है। एंड एज यू कैन सी आंचल पे बुनाई कितनी गॉर्जियस है, तो ऐसे साड़ीज़ को आप ओपन पल्लू के साथ कैरी करते हो तो वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने जामदानी साड़ी के ऊपर ऐसे एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप चाहो तो ऊपर की दी गई बटन पर क्लिक करके अभी के अभी देख सकते हो। पल्लू बनाने के लिए आंचल को सीधी कर ले। देखिए सारी बॉर्डर हमारे शोल्डर जितनी ही इक्वल वाइड है, तो इतने वाइड पल्लू परफेक्ट रहते हैं। एंड हमें प्लीज की अरेंजमेंट स्टार्ट करना है हमारे लेफ्ट हैंड वाली बॉर्डर से, जो बनेगी हमारी फ्रंट मोस्ट शोल्डर प्लीट। आप बिगिनर है तो यहाँ पे पल्लू बनाना सीख सकते हो। आपको जितना वाइड पल्लू रखना है उस हिसाब से उंगलियों को साड़ी के बॉर्डर पर ऐसे सेट कर ले, ठीक है। फिर कुछ इस तरीके से कैंची की तरह नेक्स्ट दो उंगलियों को सेट करिए। नेक्स्ट जिगजैग मोशन में फैब्रिक को फोल्ड करते रहना है। एंड शोल्डर प्लीस की चौड़ाई आप अपने खुद के शोल्डर जितनी ही रखोगे तो लुक वाइज इट सीम्स परफेक्ट। मैंने भी ऐसा ही करा है। नेक्स्ट तो आपको पता ही है क्या करना है। एन को जस्ट ऐसे ऊंचा पकड़ लीजिए और बनाई गई पीस के क्रीज लाइन वाइज शोल्डर प्लीस को अरेंज करते जाइए। जब आप लास्ट वाली बॉर्डर पे यहाँ पे पहुँचते हो, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसे घुमा के आपको कुछ ऐसे सेट करना है ताकि फ्रंट मोस्ट प्लीट की डायरेक्शन जिस साइड है, मानो कि ये है लेफ्ट साइड की ओर, तो लास्ट प्लीट की डायरेक्शन घूम के बिल्कुल इसकी ऑपोजिट पे बननी चाहिए, लाइक योर राइट साइड, ठीक है। ऐसा इसीलिए ताकि पल्लू सेट होने के बाद ये बस्ट के ऊपर सीधी बैठे, क्लियर। होप मैं आपको अच्छे से ये वाली बात समझा पाई। नाउ टेक अ सेफ्टी पिन एंड सिक्योर इट एट दिस पॉइंट। तो आंचल को ऐसे सीधी पकड़ ले और आपको आपके बॉडी के अराउंड घुमा के इसे सामने लानी है इस तरीके से। यहाँ पे डायरेक्शन का ध्यान आपको रखना है ताकि फैब्रिक ना मुड़ पाए। तो अब सेम प्रोसेस अपना के पल्लू को और थोड़ी सी लेंथ तक अरेंज कर लेना है और प्रोसेस बिल्कुल ही सेम है। नाउ यूज़ अनादर पिन टू सिक्योर इट। तो लेंथ आपको इतने तक अरेंज कर लेना है ताकि लेफ्ट शोल्डर पर प्लेस करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो पीछे से आपके नी से थोड़ी सी नीचे तक बने। सी प्लीट्स के साथ जामदानी साड़ीज़ वेयर करते हो तो मेक श्योर लेंथ शॉर्ट ना बने, क्योंकि ऐसे ही फ्लफी फैब्रिक है तो आंचल शॉर्ट हो जाती है तो आपकी हाइट भी थोड़ी सी कम लगती है, इट्स अ फैक्ट। थोड़ी लंबी पल्लू रखोगे तो इट हेल्प्स यू टू लुक टॉलर। नाउ लेट मी ऐड, पल्लू को अरेंज करते टाइम दो पिन जो हमने यूज़ करी थे दोनों ही टेम्पररी पर्पज़ के लिए ही थे, तो वन ऑफ द टेम्पररी पिन्स को हम अब निकाल लेंगे और उसे यूज़ कर लेंगे टू सिक्योर इट विद द ब्लाउज फैब्रिक। और हाथ को ज़रा सी पीछे लेते हुए फिर हमें पल्लू को सिक्योर करना है ताकि नीचे झुक के कोई काम करते वक्त पल्लू सामने की तरफ ना गिरे।
नेक्स्ट बस्ट के ऊपर वाली प्लीट्स को फ्रंट प्लीट्स को अच्छे से अरेंज कर ले, बट ध्यान रहे इसे अरेंज करते टाइम बस्ट वाली बॉर्डर ज़्यादा फैलाया हुआ ना दिखे, नहीं तो ज़्यादा गले तक चढ़ जाती है तो इसकी वजह से आपकी बस्ट एरिया ज़्यादा ब्रॉड दिखती है। सो बस्ट के ऊपर वाली बॉर्डर से बस्ट को ऐसे हाफ कवर करते हुए घुमा के टाइटली अपने नेफल के पास तक ले आए एंड मेक श्योर आपकी सारी बॉर्डर मुड़नी नहीं चाहिए एंड पीछे से भी बॉर्डर को अच्छे से स्ट्रेट कर ले। नाउ टेक अ सेफ्टी पिन एंड सेफ्टी पिन के हेल्प से अपने नेवल के पास पेटीकोट के साथ बॉर्डर को सिक्योर कर दे एंड ये वाली पिनिंग करते टाइम आप हमेशा याद से पेटीकोट के फैब्रिक के साथ ही इसे सिक्योर करें ताकि बाद में चलने फिरने से ये बाद में लूज ना हो। नाउ सारी बॉर्डर को हमने तीछा पकड़ के सेट करी है राइट, तो इसे फिनिशिंग देने के लिए आपको थोड़ी सी लेंथ इतने से डिस्टेंस पे टूअर्स ऑपोजिट डायरेक्शन और एक प्लीट बना के वेस्ट लाइन पे टकिंग करनी है। दिस इज नथिंग बट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मेकिंग ही प्लीट्स। इसमें टाइम भी कम लगती है और ऐसे पतले प्लीट्स बनाने में आसानी भी होती है। सी लेफ्ट साइड पे प्लीट्स की स्कल्पटिंग कितने परफेक्ट लग रहे हैं। तो आइए अब बना लेते हैं सेंटर प्लीट्स। सेंटर प्लीट्स बनाना स्टार्ट करने से पहले राइट साइड से ज़रा सी फैब्रिक को छोड़ के हाथ को सामने की तरफ लेते हुए इसे अरेंज करेंगे एंड पहले एक प्लीट बना के देख लेंगे ये सीधी बन रही है या नहीं। अगर सीधी बन जाती है तो इसके पीछे पीछे साड़ी की लेंथ के हिसाब से आपको 5 से 6 प्लीट्स बनाने होंगे। शोल्डर प्लीट्स एंड सेंटर प्लीट्स बनाना आर क्वाइट सिमिलर, इसीलिए अलग से समझाने की कोई बात है नहीं, बट डिफरेंट स्टार्स व्हेन यू फिनिश अरेंजिंग इट। तो प्लीट्स को अरेंज कर लेने के बाद सारे प्लीट्स को घुमा के अपने लेफ्ट हैंड की तरफ घुमा ले और अच्छे से झटक ले ताकि जितना हो सके लेंथ वाइज अपने आप अरेंज हो सके। देन एक एक करके सारे प्लीट कॉर्नर्स को एक साथ मिला ले एंड फर्स्ट ऑफ ऑल राइट वाली फर्स्ट प्लीट को ओपन करके राइट से एक्स्ट्रा फैब्रिक को इसके साथ मिला ले टू मेक इट वाइडर। इससे फर्स्ट वाली प्लीट की डायरेक्शन बाकी प्लीट्स के जैसे टूवर्ड्स लेफ्ट ही बन जाती है। जैसे कि ये एक कॉटन जामदानी साड़ी है तो आपको प्लीट्स हाथों से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ सकता है अक्रॉस इट्स लेंथ, क्योंकि ऑफन ऐसे साड़ीज में प्लीट्स ऑटोमेटिकली अरेंज नहीं हो पाते। नाउ वॉच अ हैक, प्लीट्स के दूसरे कॉर्नर को मैं खींच के जब पैरेलल बना रही हूँ देखिए प्लीट्स कैसे अपने आप सही से सेट होती जा रही है। ये करने से आपको नीचे झुक के सारी बॉर्डर को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती। सो ऑन द नेक्स्ट लेंथ एक्रॉस प्लीट्स को अपने नेवल के पास पकड़ ले ताकि टकिंग के समय कोई भी प्लीट आगे पीछे ना रह जाए एंड टकिंग के बाद व्हेन वी आर ऑलमोस्ट डन विद ड्रेपिंग, अब बस फिनिशिंग टच देना बाकी है। तो उसके लिए सेंटर प्लीट्स को अच्छे से हाथ को नीचे की तरफ लेते हुए फैला दे ताकि नेवल के पास फ्लफी ना लगे, देन राइट साइड की एक्स्ट्रा फैब्रिक को वहीं पे मैनेज करके टक कर दे एंड इसके बाद कुछ सेंटर प्लीट्स ही प्लीट्स फ्रंट प्लीट्स को बराबर फोल्ड वाइज अरेंज कर लेना है ताकि साइड फ्रंट बैक हर एंगल से आपकी ड्रिपिंग परफेक्ट लगे एंड ऐसे साड़ीज़ में इट्स कॉमन कि बैक साइड से पल्लू बार बार उठने बैठने से ऊपर की तरफ जमा होने लगते हैं, तो ऐसा होने से ड्रिपिंग फ्लफी भी लगती है। तो जब भी आप बैठ के उठो मेक श्योर टू पुल डाउन द बैक साइड फैब्रिक एवरी टाइम। तो फ्रंट प्लीट्स को अरेंज करते टाइम शोल्डर से लेके वेस्ट तक 1 by 1 स्कल्पटिंग को कंप्लीट करनी है एंड इन द सेम वे कमर के पास से वही वाली क्रीज लाइन को सवार के पीछे बैक तक भी लानी है ताकि पीछे भी फोल्ड्स प्रॉपर शो हो और पीछे कमर वाली बॉर्डर ज़्यादा ब्लाउज फैब्रिक के ऊपर चढ़ ना जाए, इसका भी आपको खास ध्यान देना है। सो ड्रेपिंग एंड फिनिशिंग इसके साथ होती है हमारी कम्प्लीट। सिर्फ 2 सेफ्टी पिंस का यूज़ करके ही आप ऐसे नीट एंड क्लीन वे में ड्रिपिंग बना सकते हो। जस्ट डू फॉलो द टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी है एंड आई रियली होप मैं आज अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई एंड कहीं भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो आज की साड़ी के साथ मैंने ऐसे ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज चूज़ करी है। एज़ यू कैन सी गले में मैंने एक लेयर्ड ऑक्सीडाइज नेकलेस पहन लिया है और कानों में ऐसे ईयरिंग्स, एक बिंदी और ये एक स्टेटमेंट रिंग जिसमें माँ दुर्गा बनी हुई है। स्टाइलिंग सिंपल है एंड दिस लेयर्ड नेकलेस इज कम्प्लीमेंटिंग द होल लुक रियली वेल। आशा करती हूँ स्टाइलिंग एंड ड्रेपिंग दोनों ही आपको पसंद आई है। इफ़ येस देन वीडियो को लाइक करना ना भूले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे सो दिस वीडियो बिकम्स यूजफुल फॉर देम टू। एंड मेरे चैनल में आप नए हो तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना बिकॉज आपका सपोर्ट ही मुझे इनकरेज करती है टू ब्रिंग सच वीडियोस। और आज की साड़ी के लुक आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट्स पे लिख के बताना। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। सो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब करने के बाद साइड की बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि नई वीडियोस अपलोड करते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। एंड किसी भी प्रोडक्ट आपको पसंद आई है और आपको सेम चीज़ लेनी होगी तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स और यू कैन चेक द वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मैं अवेलेबल चीज़ों की बाइंग डिटेल्स हर दिन के जैसे नीचे शेयर कर दूँगी।
सो सी यू ऑन द नेक्स्ट डे. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.